सब लोग गलियाएंगे कि गलत। पटना से यहाँ क्यों आए? उसके क्या मिल जाएगा? सीसीटीवी फुटेज ऐसे ठीक नहीं रहेगा दिखाने का। ये 26 तारीख को एक गिरोह के 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो एसेंशियली बैंक के अंदर या बाहर खड़े होके लोगों को, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। उनसे बातचीत करके उनके बड़े नोटों को छोटे नोटों में बदलने के लिए या छोटे नोटों को बड़े नोटों में बदलने का प्रयास करने के लिए करते थे और उनको कंफ्यूज करके उनके पैसे उनसे चुरा के ले जाते थे। अभी इन लोगों से 3,20,000 रुपये बरामद हुए हैं और हमारे यहाँ कोतवाली नगर में जो 3 पीड़ित थे उनके द्वारा इस संदर्भ में मुकदमे भी दर्ज कराए गए थे, उसी में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें बैंक के अंदर के भी हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस भी मिले हैं, जिससे भी इनकी पहचान हुई है। और जैसा अभी तक पूछताछ से समझ में आया है, इनका गिरोह काफ़ी बड़ा है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। मूलतः ये पटना निवासी हैं, सब यहाँ आके बैंक्स के बाहर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। बैंक्स के अंदर भी कभी कभी घुस के लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो उनका फॉर्म भर देंगे या उनको मदद कर देंगे नोट विड्रॉल में, और उसी में इस तरह की ठगी करते हैं।